इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में हम लोग पॉलिंग स्केल के बारे में देखते हैं कि उन्होंने क्या कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के बारे में पॉलिंग ने ही बताया था और इसका इन्होंने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया 1932 में। इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी को बॉन्ड एनर्जी के साथ रिलेट किया और हमेशा क्या कहा कि जो ए बी मॉलिक्यूल अगर कोई है, यानी कि अगर ए और बी कोई दो एटम है जो मिलके एक मॉलिक्यूल कोवैलेंटली बॉन्डेड है, अगर तो इस कोवैलेंट बॉन्ड में ए बी जो मॉलिक्यूल होगा उसका वो उसका बॉन्ड जो होगा स्ट्रॉन्गर होगा बजबते कि अगर ए ए और बी बी केवल, यानी कि एक एटम अगर इटसेल्फ ए अगर केवल बॉन्डिंग करता कोवैलेंट बॉन्डिंग करता या बी केवल कोवैलेंट बॉन्डिंग करता, उससे ज्यादा जो ए बी बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। तो इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसका हम यूज करते हैं और इस पे आपका क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से आएगा, इस फॉर्मूले को लिखने के लिए आएगा या इस पे बेस्ट आएगा जिसमें आपको ये सारा चीज दिया रहेगा। डेल्टा ई का वैल्यू केवल पुट करना है आपको, इसे याद रखना होगा। ये वैल्यू तब का है जब डेल्टा ई का वैल्यू अगर किलो जूल पर मोल में हो, और सेम जो फॉर्मूला है चेंज कर देता है 0.208 रूट अंडर डेल्टा ई होता है अगर डेल्टा ई का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जाए। ये हम बोलते हैं इसे काई से डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी को काई से भी डिनोट किया जाता है, और काई ए माइनस काई बी मतलब कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस जो ए और बी के बीच होगा वो क्या होगा, वो इक्वल होगा 0.101 रूट अंडर डेल्टा ई के, जहां डेल्टा ई क्या है, डेल्टा ई जो है ये है ई ए बी यानी कि बॉन्ड इनर्जी ऑफ ए बी माइनस रूट अंडर बॉन्ड इनर्जी ऑफ ए ए मॉलिक्यूल ए ए बॉन्ड एंड बॉन्ड इनर्जी ऑफ बी बी बॉन्ड। ई ए बी इज बॉन्ड इनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड, ई ए ए इज बॉन्ड इनर्जी ऑफ ए ए बॉन्ड एंड ई ए बी इज बॉन्ड इनर्जी ऑफ बी बी बॉन्ड। यहां पे मैंने जो पुलिंग ने ये सारा जो आपको ये डेटा जो है उनका खुद का दिया हुआ है, जहां पे फ्लोरीन जो है उसको उन्होंने इसका जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होता है पीरियडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट होता है और 4 होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की अपनी कोई यूनिट नहीं होती, क्यों, क्योंकि ये हम कंपेयर करते हैं दो एटम के बीच में, हम कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव ज्यादा है, किस बात पे कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा पुल कर पाता है जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को। तो ये कंपेरेबल क्वांटिटी है केवल इसी वजह से, इसके कोई यूनिट नहीं होता है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का यूनिट बता दे, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसे ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन का क्या होता है 2.1 होता है, वैसे फर्स्ट पीरियड के लिए याद करना आसान है क्योंकि लिथियम 1 उसके बाद 0.5 जो है कि ये से इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे केवल एस ब्लॉक और बी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी दिया गया है फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, उसके बाद यहां से क्या हो जाता है ये पी ब्लॉक के साथ, बीच में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का उन्होंने नहीं दिया है। तो क्या है, हाइड्रोजन का 2.1 है, लिथियम का 1, बेरिलियम का यहां से 0.5 बढ़ते जा रहा है, बेरिलियम का 1.5, बोरोन का 2, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 3.5, फ्लोरीन का 4। तो फर्स्ट पीरियड याद रखना जरूर, याद रखना इजी है, जिसमें हमें ज्यादा यूज जो आता है वो यहां से आता है। इन सारे को आप याद रखें, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 3.5, फ्लोरीन का 4, वैसे ही जो हैलोजन ग्रुप है पूरा क्लोरीन का 4 है, क्लोरीन का उससे कम 3, ब्रोमीन का 2.8 एंड आयोडीन का 2.5। और यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे याद रखें, सोडियम का सेकंड में 0.9, ये सारे जो है ये कम इम्पोर्टेंट है लेकिन हमें याद जो रखना है वो क्या है कि कार्बन का 2.5 होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है 2.1, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 3.5, फ्लोरीन का 4, फास्फोरस का 2.1, सल्फर का 2.5 और किसका होता है आयोडीन का, तो सल्फर और आयोडीन का सेम हो गया, क्लोरीन का 3 और नाइट्रोजन का भी 3, ब्रोमीन का 2.8, कार्बन का 2.5। इन सारे को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
और ये तीन जो एलिमेंट्स है इनका आपको याद रखना होगा, और इन सबका यूज बहुत कम है, याद रहे तो बहुत अच्छा। तो इनका स्केल के बारे में और नेक्स्ट स्केल के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।